करेंगे। शिक्षा क्षेत्र में मेरी पार्टी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडा करती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडा करती नहीं चलेगी। वापिस लो, वापिस लो, काले कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, काले कानून वापिस लो। अपना जो है इंटरफेरेंस कर रहे हैं, क्यों विद्यार्थी पीएचडी करता है, वो अपने 5 साल पीएचडी को देता है और आप पीएचडी के वैल्यूज को घटा करके 10 पॉइंट कर देते हैं। यूजीसी जहाँ 25 पॉइंट दे रहा है, आप 10 पॉइंट में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी के कंबाइन करके 10 पॉइंट बनाते हैं, जबकि यूजीसी जो है वो 25 पॉइंट खाली पीएचडी को देता है। तो क्या जम्मू कश्मीर का स्टूडेंट जो है इस चीज़ से सफर नहीं करेगा, जो अपने 5 साल अपने इम्पोर्टेंट 5 साल पीएचडी में दे रहा है, आप उसके साथ इनजस्टिस नहीं कर रहे? आपने कहा कि आप जम्मू कश्मीर पब्लिक यूनिवर्सिटी बिल लेकर आ रहे हैं। आज फिर मैं पूछना चाहती हूँ एलजी साहब से कि अभी से पहले आपने जो एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे थे, जेकेपीएससी के एग्ज़ाम ले लीजिए, आप पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम ले लीजिए, वहाँ पर करप्शन के मामले सामने आया है, आप क्या उनको हैंडल नहीं कर पा रहे? और आपने एक ऐसा बिल उठा दिया उन लोगों के लिए जो करप्शन में ऑलरेडी इन्वॉल्व है और अब हायर एजुकेशन में भी करप्शन करे। एलजी साहब को मैं कह देना चाहती हूँ कि ये आज एक सिम्बॉलिक प्रोटेस्ट अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया है। अगर ये बिल वापस नहीं होता है तो आगे आने वाले समय में पूरे स्टेट के स्टूडेंट्स जो हैं इस प्रोटेस्ट में आएंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे और ये तब तक प्रोटेस्ट चलेगा जब तक ये बिल वापस नहीं होता।